नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। राजस्थान में हुए 2 लोकसभा सीटों और 1 20 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत ने नगर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। अजमेर, अलवर और माडलगढ़ विधानसभा सीट पर जीत के बाद गदगद दिख रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रही है, जिसका धीरे धीरे असर होने लगा। बुरहानपुर के कमल तिराहे पर पार्टी नेताओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। कहा गया कि यह जीत राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि बीजेपी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। राजस्थान में मिली जीत इसका उदाहरण है और 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों की जो सरकार चल रही थी, जनता ने उनको दूध का दूध और पानी के पानी करके दिखा दिया कि अब जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेंगी, सांप्रदायिक ताकतों की सरकार नहीं चलेंगी। और हमारे राष्ट्रीय नेता, युवा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का नेतृत्व में जो आज 2 लोकसभा और 1 विधानसभा हमने राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ किया है। और जो भारत कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज भाजपा मुक्त भारत हो रहा है। चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह कांग्रेस